वृश्चिक राशि के जो भी जातक है 2024 क्या कुछ खास उनके लिए लेके आया है, 2024 में वृश्चिक राशि के लिए क्या परिवर्तन आया है, 2024 में वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, उनका जो स्वास्थ्य है वो कैसा रहेगा, उनकी जो लाइफ पार्टनर हैं उनका हाल कैसा रहेगा, इनका जो प्रेम प्रसंग विवाह जितनी भी सारी समस्याएं हैं वो सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, हर कोई अपने भविष्य को लेके परेशान रहता है, हर कोई अपना भविष्य जानना चाहता है कि आने वाला समय उसका कैसा रहेगा। 2024 वृश्चिक राशि के लिए क्या कुछ खास लेके आया है, उनके लिए कुछ क्या खास उपाय है, ये सारी सूचना मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। 2024 में वृश्चिक राशि की जो कुंडली है दोस्त, वो पहले भाव में बुध और शुक्र विराजमान हैं। साथ ही साथ इनका जो द्वितीय भाव है, जो दूसरा भाव है, दूसरा घर है, उसमें सूर्य और मंगल विराजमान हैं। चतुर्थ भाव में शनि महाराज जी विद्यमान हैं। पंचम भाव में राहु महाराज जी विद्यमान हैं। और साथ ही साथ इनका जो छठा भाव है उसमें यहाँ गुरु विद्यमान हैं। और एकादश भाव में केतु विद्यमान हैं। दशम भाव में चंद्रमा विद्यमान है, जो चंद्र कुंडली इनकी बन रही है। खासकर मई के बाद जब गुरु परिवर्तन करेंगे उस समय इनके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है धन को लेके। मई के बाद जनवरी फरवरी मार्च जो पहला तिमाही रहेगा इसमें इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन मई के बाद इनमें असाधारण रूप से परिवर्तन देखने को मिलेगा। उस समय यदि व्यापार में हैं तो शनि इनके ऊपर बहुत ही अच्छा कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। राहु भी इनका साथ दे रहा है, सहयोग दे रहा है। सूर्य और मंगल ये गर्म प्रवृत्ति के ग्रह होने के साथ साथ एक ही घर में विराजमान हैं। इसके वजह से मंगल इनके जो स्वयं के देव हैं, स्वयं के स्वामी हैं, तो इनका भरपूर सहयोग कर रहे हैं, भरपूर साथ दे रहे हैं। तो आने वाला जो इनका साल है धन के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही मजबूत रहने वाला है। इनकी जो शादीशुदा जिंदगी चल रही है या फिर जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जून के बाद ऐसे योग बन रहे हैं कि इनकी शादी हो जाएगी। राहु इनके कुंडली में इस समय अच्छा रिजल्ट देता हुआ दिख रहा है। केतु इनको थोड़ा सा परेशान कर रहा है, लेकिन खर्चे बढ़ा रहा है, लेकिन इनका जो भाव है वो भाव इनको गलत दिशा में थोड़ा सा ले जा रहा है। तो केतु को शांत करना आपके लिए थोड़ा सा जरूरी बन रहा है। केतु आपके मन में बार बार भय और बार बार शंका उत्पन्न करेंगे कि आपकी काबिलियत पे सवाल उठेगा। इससे बचने के लिए आपको केतु का उपाय करना चाहिए। बाकी ओवरऑल आपकी कुंडली बहुत ही अच्छी है। आप जो विचार ला रहे हो कि आपको ये कार्य करना है, नया प्रोविजन स्टार्ट करना है, आप उसे फरवरी के बाद स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आपका भूमि का योग जो बन रहा है वो मई के बाद बन रहा है। मई के बाद आप कोई भूमि वगैरह आप ले सकते हो। आपके बार बार जो बुरे विचार आ रहे हैं ये आपको केतु के वजह से आ रहा है, जो आपका जनवरी लगते ही आपके जो बुरे विचार हैं मन से वो ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल कुंडली जो है आपकी वो मिलीजुली है, और जो आपके मैत्री ग्रह हैं वो आपका सहयोग कर रहे हैं। 2024 आपका बहुत ही उमदा जाने वाला है, बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरने वाला है। तो आपके लिए खास उपाय क्या करें, आप गुरुवार का खास उपाय करिएगा। यदि आप गुरुवार का व्रत रह सकते हैं तो गुरुवार को व्रत रहिएगा। आप राम जी को पीला वस्त्र, पीला आभूषण आप जरूर चढ़ाइएगा। इससे आपके ऊपर राम जी की कृपा बनेगी और आपकी जो आर्थिक स्थिति वो बहुत ही पहले महीने से मजबूत बनती हुई दिख जाएगी। साथ ही साथ आप तुलसी को जल देना शुरू करिए। इससे आपके जो बुध ग्रह हैं, जो आपके स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं शुक्र जी के साथ में, वो आपको परेशान करना बंद कर देंगे। तो बुध को जल दीजिए तुलसी माता को, और जो आप राम जी को आपको बोल रहा हूँ गुरुवार के दिन पीला वस्त्र पीला आभूषण चढ़ाइए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। केतु को शांत करने के लिए आप गणेश स्तुति कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एक मोर पंख आप अपने पर्स में रखिए, और जहाँ पे आप पूजा करते हैं पूजा घर में एक मोर पंख रखिए। इससे केतु जी शांत रहेंगे और आपका साथ देंगे। यदि आपको हमसे कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आप हमें कमेंट में अपना जन्म तारीख और आपका जो समय है
वो लिखना ना भूलिए। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपसे जुड़ सकूँ। यदि हमसे कुछ त्रुटि हुई हो तो आप हमें अपना भाई समझ के, बंधु समझ के माफ़ करिएगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।